दोस्तों मैं यहाँ आया हूँ एक जगह, मतलब खेल का कार्यक्रम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आपका खुशामदीद है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मुबारक और बहुत ही खूबसूरत दिन है और इंशाल्लाह इसको बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मेरा 30 डेज ब्लॉग कंप्लीट होने वाला है। एक शेर आप लोगों की नज़र रखता हूँ कि हम जोहद मुसलसल से तकदीर संवारेंगे, हम जोहद मुसलसल से तकदीर संवारेंगे, औरों के बनाने से तकदीर नहीं बनती। तो दोस्तों हमारे लिए BMW वहाँ खड़ा है, क्योंकि मुझे BMW पे जाना है आज। उधर देख के BMW लेके खड़ा है और BMW पे हम चलेंगे आज चौक। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों हम लोग BMW पे सवार हो चुके हैं, हमारे लिए यही BMW से कम है क्या? आप ही सोचो। अभी चल रहे, अब ये बोल रहे कि भाई मैं नहीं चला सकूँगा, तुम ही चलाओ। ठीक है, देखिए मुझे अभी मैं दोपहर का खाने घर आया हूँ और एक शेर में आप लोगों को सुनाऊँ कि ये बज़्म में मैं हैं या कोताह दस्ती में है महरूमी, ये बज़्म में मैं हैं या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। दोस्तों आज मेरा ये 30 डेज ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, आज अंदर से भी बहुत खुशी महसूस हो रही। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। दोस्तों मैंने एक साल कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने का इरादा कर लिया है। तो दोस्तों एक बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आज मेरा 30 डेज ब्लॉग कंप्लीट होने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि आप लोग, तो दोस्तों ज़िंदगी की बेहतरीन खूबसूरती यही है कि आप किसी काम को, वो बोलते ना हम जोहद मुसलसल से तकदीर संवारेंगे, हम जोहद मुसलसल से तकदीर संवारेंगे, औरों के बनाने से तकदीर नहीं बनती। तो दोस्तों हम कंटिन्यू मेहनत करेंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मैं आप तक और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सब ब्लॉग है, ब्लॉग के माने मैं क्या कर रहा हूं, क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, यही चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को कुछ मोटिवेट मिले और मैं सबको, जो भी हमसे मिलते हैं, जिन लोगों को मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, सबको मोटिवेट करता हूँ। कभी भी किसी भी भाई को डीमोटिवेट नहीं करता हूँ, यानी उसके हौसला शिकनी नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी आदमी की हौसला अफजाई करूँ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि ये देखिए आज मेरा 30 डेज कंप्लीट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत साथ में थी तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वरना कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं पहले ही दिन बताया था कि मुझे व्यूज मिले या ना मिले, मुझे सब्सक्राइबर मिले या ना मिले, लेकिन मुझे एक साल का जो मैंने खुद से चैलेंज किया है वो इसलिए किया है कि ताकि मैं देखता हूँ कि मैं ये काम कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। Yeah.
धन्यवाद संपूर्ण खुर्शीद मियाजू र वडाध्यक्ष नुरिन मियाजूले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँ पनि अगाडि आइदिनु होला दुईजना साथीहरु मिलेर यो कार्यक्रमले सम्पन्न गर्नु होला ताली बजाई कृपया स्वागत गर्नु होला साइसा पनि आउनु होला अगाडि दुईटै हाम्रो दुईटै धनबहादुर सरज्यू र धनबहादुर सरज्यू पनि हमको मैसर और वडाध्यक्ष नुरुल आलम बॉलिंग करते हुनुहुन्छ र खुशी नारायणजीले ब्याटिङ गर्दै नुरुल म्याजु फेरि बॉलिंगमा तयार र ब्याटिङमा खुशी म्याजु जो कि उहाँको लागि बॉलिंग गर्ने हुनेछ बॉलिंगको क्रममा तयार मोहम्मद खुर्शीद आलम र ब्याटिङमा चौका हानेर जो कि नुलमेज पहिलेको पनि खेलाडी हुन्छ यार सही साहबजी फेरि पनि हामी रोमाञ्चक म्याच हेर्न तयार छौँ सरको लागि सरले पनि यहाँ मिस गर्नुभएको छ नरबहादुर राईज्यू र त्यसै गरी फेरि पनि बोलिङमा तयार नरबहादुर सर र राई सरज्यू र सुनवार सरज्यू सरले फेरि पनि बलिङको लागि तयार यहाँ फेरि पनि राई सर गइरहेको छु दोस्तो मैं यहाँ आया हूँ एक जगह मतलब खेल का कार्यक्रम चल रहा है और ये हमारे नुरुल मियाँ जी साहब है यहाँ के वार्ड अध्यक्ष आउट हो गए बेचारे पहले ही बॉल में एक चौका लगाएंगे एक चौका लगाया वालेकुम सलाम दोस्तों लीजिए अब इंशाल्लाह यहाँ देख लिए जो भी कार्यक्रम था सब हुआ अब ये लोग खेलेंगे अब हम लोग घर चलेंगे क्योंकि काम बहुत है अभी मैं आज बहुत लेट घर आया हूँ अम्मी भी परेशान थे बहुत तो आज हुआ यूँ था कि हमारे ही करीबी जगह पे शॉर्ट बाउंड्री मैच हो रहा था तो इत्तेफाक से जाना हुआ और मैं वहाँ वीडियो शीडियो बनाया थोड़ा बहुत और से हुआ यूँ कि लास्ट में हमारे जो गांव की टीम थी एक छोटी टीम वो टीम उतरी और से खेली उन्होंने 40 या 42 रन बनाए और आउट हो गए सभी लोग उसके बाद दूसरी टीम खेली और वो दूसरी टीम जीत गई इसी तरीके से हमारी जो दूसरी टीम थी उसमें मैं भी शामिल था तो हम लोगों ने पहले छोटी टीम को बोला कि तुम लोग हार गए हो तुम लोग हम लोगों का मतलब क्या बोलते हैं ना वो बोलते हैं ना क्या कि तुम लोगों ने हम लोगों का सर झुका दिया तो हम लोग बड़ी टीम बहुत जोश व खरोश में उतरे जब उतरे तो हमारी जो बड़ी टीम थी अफसोस क्या बताओ हमारी जो बड़ी टीम की जो साझेदारी थी जो ओपनर बल्लेबाज थे उनकी जो कंडीशन थी इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ एक बार दो तीन ओवर खेलने के बाद ये लोग दो तीन ओवर खेल चुके थे दो तीन ओवर में इन लोगों ने सिर्फ 12 या 13 रन बनाए 6 ओवर का मैच था 3 ओवर ये लोग खुद ही खेल चुके थे उसके बाद ये लोग आउट हुए और तकरीबन 4-5 विकेट हम लोगों ने गंवाए लास्ट में मैं उतरा तो 5 बॉल मेरे पास बाकी थे तो जिसमें से मैं एक बॉल खेला और मेरा तो जूता फटा हुआ था क्या बताओ और दौड़ नहीं जा रहा था उसके बाद मैंने एक चौका लगाया और से 2 रन दौड़ के लिए 6 रन मैंने भी बनाए तो इस तरीके से हम लोगों का जो स्कोर है तकरीबन 39 रन हुए और 39 रन पे ओवर ही ख़त्म हो गया था क्या बताओ आपको उसके बाद दूसरी टीम जो बल्लेबाजी करने उतरी तो उन लोगों ने 4 ओवर में मैच जीत लिया उन लोगों ने 5वां ओवर हम लोगों का जारी था 2-3 बॉल खेला दिया था तो 4थे या 5वें बॉल में उन लोगों ने जीत दर्ज कर ली तो इस तरीके से हमारी जो डैनिया की जो दो टीमें उतरी थी दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा उसके बाद बोलते हैं ना मुख्तसर ये बता सरबकफ कौन था जीत अपनी जगह हार अपनी जगह दोस्तों एक टीम को जीतना था और एक टीम को हारना था और हम लोग हार गए तो इसमें शर्मिंदगी की बात तो है नहीं इसलिए तो हम लोग हार गए तो हार गए एक टीम को तकरीबन 2200 रुपये जमा करना पड़ा तो अगर अभी तक आपने हमारे हुसैन उल्टी बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मोहब्बत का सबूत दीजिए ताकि
मैं आगे बढ़ सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है हमारे वीडियोस में, अब व्यूज़ भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वॉच टाइम भी आ रहा है, और आप लोग इसी तरीके से मोहब्बत बनाए रखें। तो लीजिए दुआ सलाम, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।